सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ तुला राशि तुला लग्न वालों का जून 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रहणी है, लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान है दशम भाव के साथ, यानी कि पत्नी के साथ काफी अच्छा तालमेल रहेगा। स्पेशली जिन लोगों का पार्टनरशिप का बिजनेस है उनका इस महीने अच्छा आउटपुट मिल सकता है। दूसरे भाव में गुरु विराजमान है, धन भाव में गुरु विराजमान होने के कारण धन की स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। कभी कभी थोड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है लेकिन ज्यादातर आपको इस महीने प्रॉफिट ही दिखेगा। तीसरे भाव में शनि और केतु विराजमान होने के कारण कभी कभी पराक्रम में कमी आ सकती है, कभी कभी आप अपने काम में थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अलर्टनेस के साथ इस महीने को बिताइए। चौथे भाव में कोई ग्रहणी है, चतुर्थेश केतु के साथ तीसरे भाव में विराजमान है, तो घर में किसी बात को लेकर किचकिच या मनमुटाव हो सकता है या फिर घर वाले या परिवार वालों के साथ मत विरोध हो सकता है। पंचम भाव में कोई ग्रहणी है, पंचमे शनि केतु के साथ विराजमान है, तो संतान की सेहत के ऊपर विशेषकर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनकी सेहत में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। विद्यार्थी गण अपना ध्यान पढ़ाई में ज्यादा नहीं दे पाएंगे, इधर उधर की बातों में टाइम पास होगा, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि फोकस आपके एजुकेशन में रहे। छठे भाव में कोई ग्रहणी है, षष्ठेश दूसरे भाव में विराजमान होने के कारण कभी कभी शत्रुओं के पीछे यानी काम की जगह पर आपके जितने भी विरोधी हैं उनके पीछे ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। सप्तम भाव में लग्नेश शुक्र और चंद्रमा विराजमान होने की वजह से कामकाज का माहौल अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ जो लोग बैचलर हैं या जिनकी लाइफ में कोई जीवन संगिनी या जीवन साथी नहीं है उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनका दाम्पत्य जीवन इस महीने बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक जा सकता है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध विराजमान होने के कारण कभी कभी सेहत में गड़बड़ी दिखाई दे सकती है, स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको अचानक से फटका इनकम हो सकता है। स्पेशली डेब्ट फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा आप देख सकते हैं। भाग्य भाव में राहु और मंगल विराजमान है तो कभी कभी भाग्य की स्थिति बिगड़ भी सकती है, क्योंकि राहु जो है वो अचानक फल देने वालों में से हैं, तो राहु और मंगल की युति होने के कारण भाग्य भाव में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिख सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि अचानक से आपको बहुत सारा धन लाभ भी हो और किसी भी तरह के मेजर इन्वेस्टमेंट या बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिए। दशम भाव में कोई ग्रहणी है, दशमेश चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, तो कामकाज की जगह पर लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर का दोनों का ही अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। एकादश भाव में कोई ग्रहणी है, एकादशेश अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण अचानक से फटका इनकम होने की संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जो लोग लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग स्पेशली जुआ सट्टा जो ऑनलाइन आजकल होता है उसमें फटका इनकम होने की संभावना है। द्वादश भाव में कोई ग्रहणी है, द्वादशेश अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण सेहत के पीछे खर्च हो सकता है, यानी कि आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा, दो बातों का ध्यान रखना है, एक अपनी सेहत का और अपने आप को बिल्कुल एनर्जाइज बना के रखिए। तो दोस्तों ये था तुला राशि तुला लग्न वालों का जून 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।